हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वही क्लास लेकर के आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर। और आज की हमारे आज जो हम करेंगे वो लर्निंग प्रिंसिपल्स के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी लर्निंग्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको करेंगे। तो इसमें आपके मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लर्निंग एक वाइड चैप्टर है जो कि बहुत लॉन्ग जाने वाला है। तो इस पर जो मेन टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आते हैं मैं उसको बता दे रही हूँ, आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग करेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग करेंगे, जो अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो करेंगे। उनमें कितने ज़्यादा थ्योरीज आई हैं, उन थ्योरीज को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, वो सब आपको देखना पड़ेगा। चलिए उससे पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी जानते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है एंड बीएड फर्स्ट ईयर के भी क्लासेस करवाए जाते हैं। सेकेंड ईयर के लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मे बी हम लोग जो हैं कि मिड ऑफ फेब्रुअरी और 20th फेब्रुअरी के बाद से सेकेंड ईयर के पे फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। उस दिन एक दिन मैं आप लोग को इसका एक ग्लिम्स, एक झलक दे चुकी हूँ कि लर्निंग में क्या क्या, लर्निंग के कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तीन जो है बिहेवियरिज्म, जिसको व्यवहारवाद बोलते हैं, कि इसमें क्या होता है, जब कोई सीखता है तो उस बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं, उस बिहेवियर्स में किस तरह से इफ़ेक्ट आता है वो है। तो पहला जो है बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद। दूसरा जो है कॉग्निटिज्म, मतलब संज्ञानवाद, मतलब संज्ञानात्मक, जो दिमाग से रिलेटेड है। और तीसरा जो है कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो कि मतलब कि कितना क्रिएटिव करते हैं हम वो। तो तीन जो लर्निंग के सिद्धांत है, तीन में बहुत सारी थ्योरीज निकली है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं, वो सब हम करेंगे। हम सबसे पहले बिहेवियरिज्म करेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके भी तीन पार्ट हैं। इसमें उद्दीपन का सिद्धांत आता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आता है, संयोजनवाद का आता है, प्रयत्न एवं भूल का आता है। ये चार मेन सिद्धांत है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश बोले तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सारे के सारे जो है आपको व्यवहारवाद में करने हैं। इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे कि किसके किसके जो है बहुत फेमस हुए हैं थ्योरीज, जो कि बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आते भी रहते हैं। और एक्चुअली आप जब थ्योरी सबके जानने लगेंगे, सबके रिसर्च के बारे में जानने लगेंगे, तो आपको खुद को भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें, अब मैं बता दूं आप लोगों को कि संबंधवाद में जो है, बिहेवियरिज्म में जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी बहुत फेमस हुई है। थॉर्नडाइक ने रिसर्च किया है, थॉर्नडाइक की का संबंधवाद का जो सिद्धांत है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत फेमस हुआ। फिर उसमें है पावलव का भी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, जिसको शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत बोलते हैं, वो बहुत फेमस है, उसको जानना है। फिर उसके बाद से जो है स्किनर का है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत जो है वो है ऑब्जर्वेशनल। तो ये तीन जो है मेन सिद्धांत है जो हमें अच्छे तरीके से जानना है, एग्जाम्पल के साथ जानना है, जिसमें उन्होंने रिसर्च किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो नियम और जो सिद्धांत समझेंगे वो है थॉर्नडाइक का नियम, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने यह रिसर्च जो किया एक भूखी बिल्ली पे किया, और भूखी बिल्ली पे उन्होंने कैसे किया और इसका परिणाम क्या हुआ, इससे उनको कुछ नियम प्राप्त हुए, जो कि नियम उन्होंने दिया है, कुछ रूल्स मिले हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं कि इसमें थॉर्नडाइक ने कैसे क्या किया। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने एक भूखी बिल्ली को लिया, वो बहुत भूखी थी, उसको एक पिंजरे में एक बॉक्स में बंद किया, जिसका नाम पजल बॉक्स रखा। उस बॉक्स में उसको बंद करके उसके बाद से उन्होंने पिंजरे के जस्ट बाहर एक मछली का टुकड़ा जो है वो रख दिया, क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा भूखी थी। तो उस मछली को देख करके, मछली के टुकड़े को देख कर बहुत उत्तेजित हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पिंजरे के अंदर ही एक लीवर, एक बटन लगा दिया, जिसको दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा जो है खुल जाता था। तो इस तरह से उन्होंने अपना सेटिंग किया। उसके बाद से जब बिल्ली ने कैसा, मतलब वो हुआ कि किस तरह से उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑब्ज़र्व किया थॉर्नडाइक ने, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही बिल्ली ने मछली का टुकड़ा देखा, वो बहुत ज़्यादा ही, वो बोलते हैं कि एक्साइटेड हो गई और उसको बस खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई, अंदर में ही पूरा नोचने लगी, अपना हाथ पैर पूरा मारने लगी।
इसी बीच में बहुत 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 ज़्यादा इधर उधर की गलतियाँ और बहुत सारा इधर उधर हाथ मारने के बाद उस गलती से उसका हाथ जो है उस बटन पे लग जाता है, उस लीवर पे लग जाता है, जिससे कि पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और वो बिल्ली बाहर निकल कर के मछली खा लेती है। यही जो ये रिसर्च जो था, ये क्रिया बार बार थॉर्नडाइक ने किया। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि फर्स्ट डे जितना टाइम लगा था बिल्ली को बाहर आने में, दूसरे दिन कम लगा, तीसरे दिन और कम लगा, और चौथे दिन बिल्ली को पता चल चुका था कि इस बटन को दबाने से ये दरवाज़ा खुलेगा और खुलेगा तो निकल के वो जो मछली है उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने ये रिसर्च किया। अब इस रिसर्च के बाद उन्हें क्या क्या मिला? उन्हें सबसे पहले जो मिला, पहला नियम जो मिला उन्हें, उन्होंने रिसर्च के बाद बताया, तत्परता का नियम। मतलब यहाँ पे मछली जो है बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम की, दैट मीन्स स्टिमुली का काम की, जो कि उसको एक्साइट कर रही थी कुछ करने के लिए और उसको पाने के लिए। तो ये स्टिमुली का काम कौन किया? मछली ने। तो उन्होंने बताया तत्परता का नियम, अगर बार बार वो ट्राई किया जाए और कुछ भी इधर या उधर से करते रहा जाए तो डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलता है। सेकेंड उनको मिला अभ्यास का नियम, क्योंकि ये नियम उन्होंने, ये जो रिसर्च उन्होंने किया था, बार बार किया, तो बार बार करने से चौथे दिन ऐसा हुआ था कि बिल्ली के माइंड में ये बैठ चुका था कि इस बटन के दबाने से ही दरवाज़ा खुलता है, तो उसको याद हो गया था, उसके माइंड में स्टक कर गया था। तो ये हुआ अभ्यास का नियम। थर्ड जो है प्रभाव का नियम, जिसको परिणाम का नियम भी बोलते हैं, रिजल्ट का रूल भी बोलते हैं। इसमें उन्हें क्या मिला? उनको ये मिला कि चौथे दिन बिल्ली को पता था कि जैसे ही मछली का टुकड़ा वहाँ रखा जाएगा, उसको बस वो बटन दबाना है, फिर बाहर निकलना है और खा लेना है, उसको ज़्यादा उसमें हरास होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये थॉर्नडाइक ने रिसर्च किया था अपना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थॉर्नडाइक के रिसर्च को संबंधवाद का सिद्धांत, साहचार्यवाद का सिद्धांत, बहुत सारे नाम से थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत जो है जाना जाता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है पावलव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है, स्किनर का जो सिद्धांत है, इसको करेंगे और फिर उसके बाद लर्निंग को क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो और इस पर आप अपना नोट्स तैयार कर लें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि बोर्ड पे पढ़ाइए, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको समझा रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप खुद से अपना नोट्स बनाएं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस।